लखनऊ लोकसभा का चुनाव नजदीक है तो वहीं मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र के निवासियों ने चुनाव से पहले बताया है कि प्रधानमंत्री योजना के तहत गरीब जनता को शौचालय प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। क्षेत्रवासियों ने बताया है कि योजनाएं तो आती हैं लेकिन प्रधानों के द्वारा आम जनता तक पहुंचाया नहीं जाता है। आइए जानते हैं मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र काकोरी के बड़े गांव की जनता ने क्या कुछ कहा है। देखिए हमारे संवाददाता दिनेश राजपूत की ये खास रिपोर्ट। इस बार बताइए प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? अखिलेश यादव कह रहे कि हम डाटा और वो आटा, मोदी जी गेहूं दे रहे हैं, अखिलेश यादव आटा देंगे। भैया जनता है कहाँ तक का आटा चक्की का चौबीस घंटा नचते रही का हम तो नहीं चल रही यहाँ घर के पूरी की नहीं होते। तो योजनाएं मिली जो मोदी जी योजनाएं चला रहे हैं, योजनाएं मिली कुछ जैसे शौचालय आवास प्रधानमंत्री पता लगा लो शौचालय वही कर अरे घर घर मुआयना करा दे मोदी साहब कि कैसा चक्की मिली कैसा नहीं मिली। कोई कोई घर में दोबारा दोबारा चक्की आई है और कोई कोई एक नहीं आई। ये बताइए लोकसभा चुनाव है इस बार किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? अब जो भी बने तो क्या है, हम तो गेहूँ काट रहे हैं नहीं तो गेहूँ तो काट रहे हैं ना, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनेगा देश का? प्रधानमंत्री जो बनेगा दोस्तों में क्या बनता है, किसकी वोट आए किसके बने नहीं, तो जो कार्य अच्छा करेगा वही बनेगा। हाँ वो तो है ही, जो कार्य करेगा वही बनेगा। अखिलेश यादव ने कोई कार्य नहीं किया? बहुत कार्य किए, जैसा हाईवे चल रहा है यही बनाया हुआ शायद। और मोदी जी, मोदी जी बनाए हैं अब यहाँ चल रहा है उनका वो चल रहा है देखो बना हुआ। इस बार बताइए